दोस्तों इसके आगे हम लिख सकते हैं कि, मतलब लिखना नहीं है पर इसके आगे हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे इसलिए के का मान जो दोनों प्रतिबिंबों को संतुष्ट करें, ठीक, क्योंकि इसमें भी के इक्वल टू छः और के छः के इक्वल टू माइनस सिक्स, मतलब माइनस, ठीक, ये दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, के इक्वल टू छः जो कि दोनों में है इसलिए के इक्वल टू संतुष्ट करता है, के इक्वल टू छः है इसलिए, इसलिए इस मान के लिए समीकरणों के योग में क्या परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक, अनेक हल हैं। इसमें हमने क्या बोला था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हमने लाता है अब लास्ट में हम इसे लिख देंगे इस मान के लिए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे, अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें भी दो समीकरण थे और अनेक अनंत अनेक हल वाला था, हमने बोला क्या याद करना था, इसमें अनेक हल, अनेक हल वाली हम जो होते हैं कि इक्वल टू में होते हैं वही वाले हमने यहाँ पर शर्त लगाया, इसमें शर्त बोला इसलिए उस शर्त का हमने फार्मूला लगाया और हल कर दिया, ठीक। आगे क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 13 नंबर देखा है समीकरण युग में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि हमने कुछ अपने वीडियो में बता भी दिया हूँ प्रतिस्थापन विलोपन हल करना, लेकिन इसमें आगे देखते हैं आगे नम क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। 13 में समीकरण दिया हुआ है एक्स, समीकरण दिया हुआ है, एक बार बोल देता हूँ जब तक आप लोग नहीं सकते, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, मैं लिखता हूँ क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये तो हमारे पास समीकरण दिया है जो कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये समीकरण एक होगा, ये दो हो गए, हमने प्रतिस्थापन विधि में सीखा है कि हमें समीकरण एक या दो से लेकर कोई एक समीकरण तीन बनाना होता है, जो कि फिर हमें जिस समीकरण में हमने बनाते हैं उसके विपरीत वाले समीकरण में हमने हमें मान रखना, ठीक। चलिए देखते हैं हम समीकरण दो से मान बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से ठीक, ये समीकरण हुआ समीकरण दो से, दो क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये जो हमारा समीकरण इसे हम नाम तीन दे दिए समीकरण तीन, अब हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण दो से लिए हैं तो एक में रखेंगे, एक में रखने पर अगर हम एक से समीकरण तीन बनाते तो हम दो में रखते, लेकिन हमने किससे दो से बनाया इसीलिए हम इसका मान समीकरण एक में रखेंगे, ठीक। देखिए रखते हैं इसका मान समीकरण एक में, समीकरण एक ये हमारा एक्स एक्स यहाँ पे रख देना है, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हुआ 4 प्लस वाई, ये वाई है, प्लस वाई इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, ये हमारा y का मान है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं और लिख दें तथा लिख दें, कुछ भी लिख सकते तथा भी लिख सकते हैं, y का मान समीकरण इसमें हम तीन में रख देते हैं, तीन हमारा समीकरण बहुत आसान दिख रहा है, समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, जो कि तीन हमारा समीकरण ये है, ये हमारा समीकरण कौन सा है, तीन है, इसी में हमें वैल्यू रखनी है, रखते हैं वैल्यू, समीकरण तीन में क्या है एक्स प्लस फोर नहीं
एक्स इक्वल टू फोर प्लस बाई है, हमें एक्स इक्वल टू फोर प्लस बाई में मिला है पाँच, तो एक्स इक्वल टू पाँच चार नौ, एक्स इक्वल टू नौ और बाई इक्वल टू फाइव, ये हमें दो वैल्यू मिल गई एक्स और बाई, मतलब दो मान निकल है, हमारा सोल्यूशन हो चुका है। समीकरण योग्य प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जो कि हमने हल कर दिया। अगर हमारा ये लग रहा है कि गलत है या फिर कुछ है, तो हम यहाँ जांच के स्वरूप में लिख सकते हैं, जांच यहाँ लिखेंगे, यही समीकरण एक रख लेंगे, जैसे दो रख रहे हैं एक्स माइनस बाई इक्वल टू फोर, हमें ये पेपर में नहीं करना है, बट हमें ये चेक करने के लिए, ठीक, मान चेक करने के लिए, जैसे एक्स में नौ मिला तो नौ रखेंगे, माइनस बाई में पाँच मिला पाँच रखेंगे, इक्वल टू फोर, ये घट जाएगा तो फोर इक्वल टू फोर, मतलब ये हमारा जो वैल्यू आई है दो एक्स और बाई के, ये बिल्कुल पूरी तरह सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, एक दो तीन किसी में भी रखेंगे, तो अगर इक्वल टू के उस पार वाली वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये हमारा इक्वेशन सही है, पूरी तरह क्लियर सही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखना है, ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसको रेज कर देते हैं, दो हमारे पास समीकरण दिए थे, हमने समीकरण दो से एक इसको मतलब एक्स या बाई का मान निकाल लिया, जो कि हमने उसे समीकरण तीन दे दिया, बाई एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि हमने दो से बनाया इसीलिए एक में रखा, अगर एक से समीकरण तीन बनाते या फिर ये वैल्यू निकालते तो दो में रखते, अदर में रखना है, ये रख दिए, यहाँ पास ये हुआ दो से ये कट गया, तो बाई इक्वल टू पाँच जो कि आ चुका है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब है 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला है देख लेते हैं एक बार, प्रश्न बैंक है जो हमारे पास उसी का सलूशन है, बाकी ये अब 13 तक हम बोलेंगे कि हो चुके हैं, अब इसके इधर करना है। 14 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान जांच कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 विधि से हल कीजिए। ये मतलब ये हमें इस तरह से हल करना है बोला है, इसमें कुछ शर्तें दी है हल करना। ठीक, चलिए दोस्तों हल करते हैं। ठीक दोस्तों, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये समीकरण एक हो गया। समीकरण दो है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, समीकरण दो, ये हमें हल करना है, यही दो इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक, को हल कीजिए और इससे m का वह मान जांच कीजिए जिससे, हाँ मतलब सबसे पहले क्या कहा है, को हल कीजिए, मतलब इसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापन या विलोपन से हल करेंगे, हम भी यहाँ प्रतिस्थापन से ही कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन प्रतिस्थापन से करे हैं, तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए हम इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक, समीकरण ये क्या, तो किसी से भी कर सकते हैं हम, समीकरण इसमें एक से कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, एक क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो हमें यहाँ 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, बाई को हमने उधर भेज दिया, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसे हम दे देंगे एक दो तीन, समीकरण तीन ये हमारे मिला। ठीक, ये हमें इक्वेशन थ्री मिल गया है, अब हम इसे बाई का मान समीकरण दो में रखेंगे, क्योंकि हमने एक से बनाया इसलिए दो में रखेंगे। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, दो क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक, इसी में हमने हमें वैल्यू रखनी है, चलिए वैल्यू भी रख के देख लेते हैं आगे क्या होता है। वैल्यू में मिला एक्स 11 माइनस, ठीक है, मिला एक्स के जगह पर 2 क्या है 11 माइनस 3 बाई अपॉन 2
माइनस फोर बाई इक्वल टू माइनस 24। ठीक, ये जो कि ये 2 कट जाएगा क्योंकि इधर ही है ना, इधर ही, मतलब अगर यहाँ दूसरा संख्या अगर 3 होता, यहाँ 2 होता तो ना कटता, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसीलिए ये बिल्कुल पूरी तरह है क्या हुआ, कट गया। आगे देखते हैं, ये आगे हो जाएगा 11 माइनस 3 बाई माइनस 4 बाई इक्वल टू माइनस 24। यह हुआ 11, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस चिन्ह रहेगी, लेकिन 7 बाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11, मतलब ये भी क्या हुए, जुड़ेंगे, वो भी उधर चला गया तो माइनस में होंगे, जो कि माइनस माइनस अब जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे इसकी प्रोसेस क्या होती है। ये हुआ 7 माइनस बाई इक्वल टू, ये जुड़ जाएंगे तो ये 5 और ये 3 माइनस माइनस 35 से माइनस 35 जुड़ा, लेकिन चिन्ह माइनस की आएगी, इसलिए ये बाई इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, और इसे काटते हैं तो 7 का जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 35, मतलब बाई इक्वल टू 5, हमें क्या मिला, बाई इक्वल टू हमें 5 मिला। ठीक, चलिए देखते हैं बाई इक्वल टू क्या मिला, 5, बाई इक्वल टू हमें 5 मिला। ठीक, अब हम बाई का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, लिख देते हैं बाई का मान समीकरण 1, 2, 3 में रखने पर, 3 हमारा ये है, इसी में बाई का रख देना है, एक्स इक्वल टू 11 माइनस 3 बाई अपॉन 2 इक्वल टू कर देंगे तो 11 माइनस 3 बाई की जगह में 5 अपॉन 2। ठीक, ये हो गया 11 माइनस 15 बटे 2 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 जब माइनस 2, मतलब 2 × 4 होता है, इसीलिए माइनस 2, एक्स बराबर माइनस 2 और बाई बराबर 5। ठीक, इसके नीचे हम लिख देंगे आता है वही कि एक्स इक्वल टू इतना है, बाई इक्वल टू इतना है। ठीक, इसके आगे की प्रोसेस करते हैं, तब के लिए बने रहिए। ये हुआ, अब हमें इसको यूज कर देते हैं, अभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है, अब हम इसे आगे करेंगे, इधर पार करेंगे आगे। इसमें क्या बोला है, वो जो इक्वेशन दिया है उसी में हमें रखना है, क्या दिया है, यहाँ पास हमने बता दिया था, लिख देंगे एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई इक्वल टू 5। ठीक, लिखेंगे अब जो इक्वेशन दी है ना हमें, इक्वेशन उसी में हमें ये एक्स वाई की वैल्यू रख देना है, वैल्यू क्या दी है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, एम एक्स प्लस 3 बाई एक्स के हमें मान रख देना है, बाई में क्या मिला हमें 5, 5 इक्वल टू एम एक्स में क्या मिला है माइनस 2 प्लस 3, ये क्या हुआ 5 इक्वल टू माइनस 2 एम प्लस 3, इसे हम माइनस 2 एम इक्वल नहीं, इसे हम क्या करते हैं उधर बुला लेते हैं, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 एम, ये क्या हुआ घट जाएगा, 2 इक्वल टू माइनस 2 एम क्या हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, अब हम इसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, इसे हमने और करके बदल दिए हैं, क्या कर दिए हैं बदल दिए हैं, देखते हैं क्या कर दिए हैं, और करके हमने यहाँ बदल दिया है माइनस 2 एम इक्वल टू 2, इसको बदल दिया, ये इधर था तो उधर कर दिया, तो ये हुआ ये 2 यही था, ये माइनस 2 उधर चला गया। ठीक, एम इक्वल टू माइनस 1, हमें क्या मिला एम इक्वल टू माइनस 1। ठीक, ये हमें क्या बोला था,
यम का बहमान जैसे, ये हमें यम का मान मिल गया। यहाँ पास हमने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी है, यहाँ पास एक्स यहाँ पास वाई वही वैल्यू रख दी है, जो कि हमारा भी सोल्यूशन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे का क्वेश्चन 15 एक बार देख लीजिए। हमें दो इक्वेशन दी थी, हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया समीकरण 3। हमने प्रतिस्थापन विधि से पूरी प्रोसेस की, एक्स वैल्यू की मतलब एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू निकालने तक के लिए, ठीक। उसके आगे हम ये आप लिख के वही जो उसमें इक्वेशन दी थी उसी में हमने एक्स वाई का मान रख दिया, जो कि एम का इतना मान आ गया, ठीक। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं 15, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 15 में कुछ दूसरी तरह दिया है, उसे हम उसे भी हल करेंगे। इसमें मतलब जितने क्वेश्चन से प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी न किसी विधि से हमें हल करना है। दोस्तों चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोण दिया है, ठीक। हमें क्या दिया है, दो संपूरक कोण दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि माना दो सम क्या बोला है, दो संपूरक पूरक बोला है, मतलब दो संपूरक कोण हमने क्या लिख दिया, माना दो संपूरक कोण एक्स और वाई है। फिर क्या बोला है इसमें कुछ और, दो संपूरक कोणों की क्या बोला, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण हमने मान लिया, यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे लिखा, क्योंकि बड़ा छोटा जो बोला है वो अधिक बोला है ना, इतना और लिख देंगे, लिख सकते हैं और एक्स बड़ा है पाई। क्या बोला दोस्तों, समझ क्या बोला, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमने क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 नहीं लिखेंगे 18, तो उसमें क्या किया है, दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, संपूरक कोण लगाना है 180। क्या होता है, संपूरक कोण 180, यहाँ हम लिख सकते हैं संपूरक कोण 180। ये इसलिए लिखा क्योंकि क्या बोला है, एक मिनट क्या बोला है, दो संपूरक कोण, सबसे पहले दो संपूरक कोण बोला है, जो कि हमने एक्स और वाई मान लिया दो संपूरक कोण, ठीक। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे जान लीजिए, ठीक। दो संपूरक कोण बोला ना, तो हमने क्या समझाते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, ठीक। संपूरक के कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 लिख लिया, क्योंकि एक्स हमने दो संपूरक कोण है जो कि हमने एक्स वाई माना, इसीलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 संपूरक कोणों का योग है ये, ठीक।
आगे देखते क्या लिखा है। आगे लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हुआ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल गई है। अब हमें बस वही प्रतिस्थापन या विलोपन से हल कर देना है। इक्वेशन दो ऐसे मिली हमें कि दो संपूरक कोण बोला है तो हमने मान लिया एक्स और वाई। हमने जानते संपूरक कोणों का योग 180 होता है इसीलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। और उसमें क्या बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है इसीलिए हमने ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 लिख दिया। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण दो से। यहाँ भी हम दो से बनाते क्योंकि दो हमारा आसान है। जो समीकरण आसान होता है हमें उसी समीकरण से बनाना है। एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब हम लिख देंगे एक्स का मान एक में रखने पर। एक हमारा क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। एक्स में रखना है 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक 18 प्लस वाई प्लस 180। ठीक आगे देखते हैं 18 प्लस वाई प्लस 180। ठीक तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक ये 2y इक्वल टू ये घट जाएगा 10 में 8 2 ये 7 बचा एक घटे 6 ये। ठीक 2y इक्वल टू 162 जो कि हमें इसे पता है कैसे करना है। बाई इक्वल टू 162 अपान टू 2 8 16 2 1 बाई इक्वल टू 81। अब हमें क्या करना है बाई का मान समीकरण 3 में रख देते क्योंकि समीकरण 3 और आसान हो गया। समीकरण 3 में रखने पर हमने यहाँ पास क्या लिख दिया जो बाई का हमें मान मिला है उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे जो कि हमने हमारा समीकरण 3 पता है कहाँ है। हमारा समीकरण 3 ये है। ये हमारा समीकरण 3 है। 2 से हमने बना दिया ये समीकरण 3। यही हमें बाई का मान रख देना है एक्स इक्वल टू 18 बाई में मिला 81 ये हो गया 9 एक्स इक्वल टू 9 मतलब 99। ठीक ये हमें मिल गया। दो हमें वैल्यू मिल गई एक्स और वाई का। ठीक हम लिखेंगे था वही एक्स इक्वल टू 99 और वाई इक्वल टू 81 ये 99 एक्स इक्वल टू 99 वाई इक्वल टू 81 लिखेंगे था कोण क्रमशः 98 मतलब लास्ट लिखेंगे था कोण क्रमशः 99 डिग्री और 81 डिग्री है। दोस्तों ये भी समझ में आया होगा लगभग। हमने दो समीकरण ले लिया उसे 55 से हल कर दिया जो एक्स वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू आई वही हमारा कोण हुआ। क्या बोला था कोण उन्हें जांच कीजिए ये दो आ गए। ठीक दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा इसको इरेज कर देते हैं। ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है। ये हमने कितने कर लिए 15 क्वेश्चन कर लिए। आते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में क्या लिख दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जांच कीजिए। इसमें भी कितना आसान है हमें दो समीकरण वही बना लेने हैं और हल कर देने हैं। क्वेश्चन 16 में ठीक हम इसमें लिख देंगे यहाँ पास हम लिख देंगे माना एक बल्ले का मूल्य एक्स तथा एक गेंद का मूल्य वाई रुपए मतलब वही रुपए वाई है बस वही लिख देना जो इसमें पूछा है।
दो अंक के लिए क्रिकेट की टीम में 7 बल्ले। हाँ वही, पहले माना एक बल्ले का मूल्य 1 तथा एक गेंद का मूल्य 22 है। तो प्रश्नानुसार जो उसमें दिया है, 7 दिया है ना, कितना दिया है, 7 प्लस वही 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यह प्रश्न बैंक है उसी में दिया हुआ है सब। ठीक, और आगे देखते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और गेंद, बल्ले को हमने x माना है ना, इसीलिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। हमने इसे क्या माना, देखिए बल्ले, हमने x को बल्ला माना और y को गेंद, इसीलिए इसमें क्या दिया था, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा, मतलब 7 बल्ले, इसीलिए हमने 7x प्लस 6y लगाया है, गेंद बाई को हमने गेंद माना इसलिए बाई, ठीक 3800। आगे क्या लिखा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में, 3 बल्ले, बल्ले को हमने x माना और गेंद 5 गेंद खरीदी, मतलब 5y इक्वल टू 1750। ये प्रश्न में क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हमने कर लिया कुछ कुछ का है, 15 क्वेश्चन कर लिया। ठीक, हमें 2 समीकरण मिल गए, हमें इसे हल कर देना है बस। हम इसे नाम दे देंगे 1, इसे 2, हम इसे प्रतिस्थापन से ही कर लेते हैं, समीकरण 2 से जो छोटी है उसी से करते हैं। ठीक, 2 में हम क्या करेंगे, 3x को यहीं 2 के लिए 1750 माइनस 5y कर दिए, y को उधर दे दिए। ठीक, ये क्या हुआ, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हमारा समीकरण एक तरह से 3 हो गया, 3। ठीक, आगे देखते हैं इसके, ये हमारा समीकरण 3 हो गया।